मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के ग्यारसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतीक्षालय जो मरीजों के लिए बनाया गया है उसका उद्घाटन विदिशा के विधायक शशांक भार्गव ने किया। ग्यारसपुर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में जब CMHO से मीडिया ने जब ड्रेसिंग और साफ सफाई के संबंध में एवं शुद्ध पानी के संबंध में बात की तो यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने का CMHO ने कहा। जब महिला डॉक्टर की बात की तो उन्होंने कहा हफ्ते में एक दिन हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे जिससे कि महिलाओं को उचित इलाज मुहैया हो सके। हमारा उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में विदिशा को प्रदेश में नंबर वन पर लाना है। ल्यूपिन फाउंडेशन पूरे मध्य प्रदेश में जनहित एवं जन कल्याण के लिए अलग अलग अभियान चलाती है जिसमें स्केल से लेकर स्वास्थ्य एवं रचनात्मक कार्यक्रम चलाती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विदिशा विधायक शशांक भार्गव थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। देखिए व्यवस्था तो ऐसा है कि आपने भी अभी ये बताया है कि ऐसी प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे और जो भी बेहतर व्यवस्था होगी उसको करेंगे। डॉक्टर्स की भी जो उपलब्धता है पूरे टाइम उसमें भी लगे हुए और यही रही हम तो पूरे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर हों। आपने भी देखा तो हम तो एक फाउंडेशन के साथ भी वही जैसे भी कर लें जनप्रतिनिधियों से भी और आपसे भी ये चाहेंगे कि अच्छा हो रहा है और जितना बेहतर हो सकता है इस ग्रासपुर के लिए पूरे जिले के लिए। और जननी सुरक्षा के जो पैसे हैं उसमें डालने में बहुत समस्या है, तो हितग्राही परेशान रहते हैं। उसके लिए तो हम बहुत अभियान के तौर पर चल रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश सरकार भी चिंतित है, ऊपर तक भी इसका वो है और हम उसको भी जो है पूरे अनुयोग से लोगों को भी बताया जो जो व्यवस्थाएँ या बदलने की आवश्यकता पड़ रही थी दिक्कत है तो उसको भी कर रहे हैं। तो जितने भी केसेस हैं यदि वो पात्र हैं तो उनका जो है हम बिल्कुल आज ही कर रहे हैं, है ना। और कोई यदि डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो हम आशा सहयोग के माध्यम से उसको गांव के हितग्राही से बुलाकर वो भी करने की। और एक और जिस प्रकार अगर सफाई से संबंधित बात करें स्वच्छ भारत मिशन तो भी आप भी देख सकते हैं सामने भी गड्ढा खुला हुआ है यहाँ पर जो उसमें एक बार हमने खबर भी उठाई थी पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया और आपका जो पानी मिलना चाहिए मरीजों को स्वच्छ पानी वाटर कूलर वो भी बंद पड़ा हुआ है। ये वाला और जो आपने पानी ड्रिंकिंग वाटर की है उसको स्वच्छ पानी मिले ये हम लोगों का या सरकार का अभियान ही है तो हम जरूर करेंगे और इसमें जहाँ प्रॉब्लम है तो इसको करवा देंगे। जो गड्ढा है इसके लिए फंड्स भी है आगे इनको DMO साहब को भी हमने बताया कि इसका अच्छे से प्लान बनाई सब इंजीनियर हमारे आए CO साहब हमारे आए यहाँ पर आपके नहीं जो भी होगा बेहतर जितना हो सकता है वो हम लोग करेंगे और आप सबसे भी उसका सहयोग मांगेंगे ऐसा जो आगे भी करिए। सर हमने जब महिला जो यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए महिलाओं की वो समस्या थी महिला डॉक्टर क्यों पता है कि क्या है आपके दो महिलाएं आपके ही ब्लॉक में एक हैदरगढ़ में है एक गुलाबगंज में है ना। अब आगे यदि कोई आता है और शासन के स्तर से पोस्टिंग होती है उसमें हम कमिट नहीं करते लेकिन ये है कि हफ्ते में एक दिन हम जरूर फिक्स कर रहे हैं महीने में एक दिन जिले की पूरी टीम आएगी आपकी महिला चिकित्सक भी आएगी भी आएगी NRC का डॉक्टर भी आएगा बाकी ट्रेंड स्टाफ भी आएगा और जितने भी आपके लोग हैं जो अभी नई नई हमने जो पोस्टिंग की स्टाफ नर्सों को 23 को उनको भी हम ट्रेंड करा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं CSC नहीं हम पीछे जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गया अभी हम लोग जो है पूरे ज़िले में 48 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटरों को भी बना रहे हैं। तो आपको थोड़ा समय है थोड़ा पेशेंस रखिए हम जो है पूरे ज़िले की स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हो और हमारा तो आप सबसे मिल के ड्रीम ये है कि विदिशा को नंबर वन लाना है, ठीक है ना। हम प्रदेश में जो 50 डिस्ट्रिक्ट है लोगों की सेवा के लिए अस्पतालों में अपनी तरफ से ये कार्य कर रही है। कई मशीनें विदिशा में भी आपने दी आज भी एक मशीन ऐसी थी जिसमें करीब 20 तरह के टेस्ट एकदम हो जाया करेंगे और बहुत जल्दी उसके परिणाम आ जाया करेंगे जिससे कि डॉक्टर्स को इलाज करने में सहूलियत होगी। एक आज शेड भी बनाया है उन्होंने मरीजों के लिए। मैं लीकन कंपनी को उनके फाउंडर गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी लीकन कंपनी की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसी कार्यक्रम में। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।